आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ बेनिश मंसूर, आप सबको हमारे चैनल कुकिंग विद बेनिश में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। बड़े साइज़ के आपने आलू लेने हैं, चार लेने, जितना आपने बनाने हैं आप उतने आलू ले लें। ये मैंने चार बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, छील लिए हैं, ठीक है। हमें मैदा चाहिए, तकरीबन आधे कप से ज़्यादा हम मैदा लेंगे। लहसुन पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून, नमक हम लेंगे हसबे ज़रूरत, ये कुटी हुई लाल मिर्च हम लेंगे 1 टेबल स्पून, सूजी हमें चाहिए 1/4 कप, ठीक है। हमें ये चिकन पाउडर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, चाट मसाला हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, हरा धनिया हमें चाहिए थोड़ा सा, हरी मिर्चें मैंने एक काट ली है बारीक, 1 अदद हमें अंडा चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक एयर टाइट डब्बा, ठीक है, डब्बा थोड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि बनाने में आसानी हो। ये मेरे पास 1/4 कप की मेजरमेंट है तो मैं इसे 2 भर के ले लूँगी। ये मेरा मैदा हो गया 1/2 कप, ठीक है। सूजी हमें चाहिए 1/4 कप, ठीक है, ये नाप के रखी थी मैंने, मेरे पास है 1 टीस्पून, ठीक है। नमक मुझे चाहिए हसबे ज़रूरत, तो मैं हाथ से नाप रही हूँ, आपको जैसे लेना हो ले लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर ये मैंने 2 टेबल स्पून नाप के लिया है, ठीक है। चाट मसाला 1 टेबल स्पून है, आप चाहे तो 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने मिर्चें कम रखी हैं, ठीक है, क्योंकि हम हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। और ये हरी मिर्च, हरा धनिया, ठीक है, हरा धनिया आपने पहले से काट के धो के इसे छन्नी में रख दीजिएगा, ये गीला नहीं होना चाहिए। हम इसे कवर कर देंगे, ये देखें, ठीक है, अब मैं इसे कवर कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लें। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है, ठीक है, ये बहुत अच्छा मिक्स हो गया है, ये देखिए, ये देखें, ठीक है। अब हम इसे रखेंगे एक तरफ और आपको आलू की कटिंग दिखाएंगे कि इसके लिए हमें जो आलू की कटिंग चाहिए वो कैसी होती है। आलू की कटिंग जो है थोड़ी डिफरेंट होती है, ये नॉर्मल फ्राइज की तरह नहीं होगी, ठीक है। ये आपने लंबाई में बीच में से काट लिया है, ठीक है, ये देखें, अब आपने यहाँ से काटा है और इसके आपने इस नोक से रख के आपने आलू काट लिया, ठीक है, जैसे हम एप्पल काटते हैं, ठीक है, ये देखें आप, ये आलू की कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये आलू कैसे कटे हैं, ठीक है। ये एक आलू के तकरीबन 8 ही कटेंगे, बड़े साइज़ के आलू के, ठीक है। अब हमें चाहिए मैदा जो हमने अभी बनाया है, अब हमने सारे आलू इसमें डाल देने हैं, ठीक है, ये भी आप हो गया, ठीक है। अब हम इसे कवर करेंगे, खूब अच्छे से आपने हिलाना है इसे, ठीक है, ये कोट हो जाएगा, पूरा कोट हो जाएगा इस पर, और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को बनाकर दें, खुद भी खाएं, सर्दियां हैं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे और बच्चों का पेट भी भरेगा, ये बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है। स्कूल खुल जाए तो बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं आप लंच बॉक्स में। तो चलें अब हम इसे खोल के देखते हैं, माशाल्लाह ये पूरा कोट हो गया है, ठीक है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, इसमें डालने हैं अंडे,
अब हम अंडा लेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 4 आलू थे और ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम था, तो मैं इसमें 2 अंडे डालूंगी, ठीक है, क्योंकि 1 अंडे में पूरा कोट नहीं होगा। हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे। ये हम जो है इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा छोटा पड़ गया है, आलू ज़्यादा है हमारे पास। मैंने इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे अच्छे से आप मिक्स करें। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सिर्फ इसमें अंडे शामिल किए थे ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाए और इसका बैटर बन जाए और इसके ऊपर कोट हो जाए। ये पूरा कोट हो गया है, मैंने ऑयल गरम पे रख दिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। गरम हो गया है, अब ये हम एक एक करके इसमें फ्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस रखिएगा ताकि कोटिंग अच्छी रहे, उतरे ना। और इस तरह आपने कोट करके डालना है। अभी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाया है वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। अब ये क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सा इसकी लेयर थोड़ी टाइट हो जाए, फिर हम इसको चलाएंगे, ठीक है। अब ये देखें ऊपर आना शुरू हुए हैं, तो अब मैं इसे थोड़ा सा चला रही हूँ, बहुत हल्का सा ही। देखें कितनी ज़बरदस्त से क्रिस्पी से लग रहे हैं। अब इस स्टेज पे आपने आंच को थोड़ा स्लो कर देना है ताकि आलू अंदर से पिघल जाए, ठीक है। ये देखिए ये वाले हो गए हैं, ये मैंने पहले डाले थे और ये मैंने थोड़ा बाद में डाले हैं ना, ठीक है। मैं ये वाले निकाल लेती हूँ। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये देखिए। ये बहुत मज़े के बनते हैं, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितने क्रिस्पी हैं ये माशाल्लाह, देखिए। तो आइए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से स्पेशल से फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।